दोस्तों, अक्सर आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि कई सितारों की सीरियल में एंट्री होती है, तो वहीं कई सितारे एग्जिट करते हुए भी नजर आते हैं। जहां कुछ सितारे अपने एक ही सीरियल में कई साल तक काम करने के बाद अपने सीरियल को अलविदा कह देते हैं, पर उन्हें अपने सीरियल को छोड़ने के बाद इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। पर हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने हिट शो यानी कि लंबे वक्त तक जिस सीरियल में काम किया, उस सीरियल को छोड़ देने के तुरंत बाद ही उन्हें कई बड़े शोज में काम करने का ऑफर मिला। पर आखिरकार वो कौन से सितारे हैं, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, ऐश्वर्या शर्मा। अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी के किरदार को निभाते हुए नजर आई थी, पर इन्होंने सीरियल को क्विट कर दिया है और इन्हें सीरियल से निकलने के तुरंत बाद ही इन्हें खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 जैसे बड़े शोज में काम करने का ऑफर मिला है। नंबर 2, निहारिका चौकसे। अभिनेत्री निहारिका चौकसे ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में निष्ठा बिरला का किरदार अदा किया था, जहां सीरियल में इनका साइड रोल था, पर इस सीरियल से लेफ्ट होने के तुरंत बाद इन्हें फालतू जैसे बड़े सीरियल में लीड रोल निभाने का मौका मिला और ये सीरियल इन दिनों टीआरपी में खूब धमाल मचा रहा है। नंबर 3, पारस कलनावत। अभिनेता पारस कलनावत को अचानक ही अनुपमा सीरियल से हाथ धोना पड़ा था। सीरियल को तुरंत छोड़ने के बाद अभिनेता पारस कलनावत को झलक दिखलाजा जैसे बड़े शोज में काम करने का मौका मिला, पर फिलहाल अभिनेता पारस कलनावत इन दिनों कुंडली भाग्य सीरियल में राजवीर के किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। नंबर 4, गौतम बीस। अभिनेता गौतम बीस बिग बॉस के सीजन 16 में नजर आए थे, पर इस शो से इनका बहुत जल्दी पत्ता कट गया और इस शो से निकलने के तुरंत बाद ही गौतम बीस जुनूनियत सीरियल में लीड रोल में देखा जा रहा है, जहां दर्शक इनकी एक्टिंग और इनके किरदार की खूब तारीफ करते हैं। नंबर 5, अंकित गुप्ता। अभिनेता अंकित गुप्ता को पहले उडारिया सीरियल में फतेह के किरदार में देखा गया, जहां इस सीरियल में इन्होंने अपने किरदार से सभी को इम्प्रेस कर दिया और इस सीजन के बाद इन्हें तुरंत बिग बॉस 16 में आने का मौका मिला और इस बड़े रियलिटी शो से निकलने के बाद अंकित गुप्ता को जुनूनियत सीरियल में जहान के किरदार में देखा जा रहा है। नंबर 6, धीरज धूपर। अभिनेता धीरज धूपर को कई सालों तक कुंडली भाग्य सीरियल में करण लूथरा के किरदार को निभाते हुए देखा गया था और इस सीरियल से निकलने के बाद धीरज धूपर को झलक दिखलाजा में देखा गया और इस शो के बाद इन्हें शेरदिल शेरगिल सीरियल में भी देखा गया। नंबर 7, शिव ठाकरे। शिव ठाकरे ने बिग बॉस के सीजन 16 में आने के बाद सभी को अपने अंदाज से दीवाना बना दिया था और आपको बता दे इस शो से इन्हें खूब पहचान मिली थी। इसी के साथ बता दे इस शो में रहने के दौरान ही इन्हें खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में आने का सुनहरा मौका मिला है। वेल दोस्तों, इन सितारों के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।